नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। तो आज मैं आपके साथ लौकी की मुखिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये ज्यादातर गुजराती घरों में बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मुठिये बनके तैयार होते हैं। आप इसे सुबह में भी बना सकते हैं, चाय कॉफी सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं। हमारे घर में बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। सॉस चटनी के साथ आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भर के दे सकते हैं, बहुत ही उसे ये नाश्ता पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने आधी लौकी ली है, तो लौकी का छिलका मैं पहले निकाल दूंगी पीलर की मदद से। लौकी को दो टुकड़ों में काट कर हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। ग्रेटर की मदद से मैं यहाँ पे लौकी को कद्दूकस कर लूंगी। यहाँ हमारी पूरी लौकी कद्दूकस हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके साथ आलू को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ लौकी का ही यूज कर रही हूँ। लौकी खाने में हेल्दी होती है, अगर बच्चे न खाए तो आप इसे इस तरह से कद्दूकस करके बच्चों को खिला सकते हैं। कद्दूकस की हुई लौकी में एक कप बेसन का आटा, आधा कप गेहूँ का दरदरा आटा और एक कप हम इसमें बाजरे का आटा मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बाजरे का आटा न हो तो इसमें आप बेसन का आटा डालिए और इसमें गेहूँ का दरदरा आटा ऐड कर दीजिए। दोनों की क्वांटिटी सेम रखिए। यहाँ पे मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर दूंगी। कद्दूकस किया हुआ अदरक इसमें ऐड कर देंगे। कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच ऐड की है। आप चाहे तो थोड़ी ज्यादा भी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकती है, अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद हो तो। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के बदले आप इसमें काली मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच जितना धनिया पाउडर ऐड करेंगे। एक चम्मच के करीब जितना मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप लहसुन की पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर दीजिए। स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिए। दो बड़े चम्मच जितना हम इसमें तेल ऐड करेंगे, जिससे मुठिये एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने। अगर आपको तीखा टेस्ट पसंद है तो आप उसी हिसाब से इसमें मसाला डालिए, लेकिन हमारे घर में थोड़े से खट्टे मीठे मुठिये बनते हैं, तो यहाँ पे मैं गुड़ पाउडर का यूज कर रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गुड़ पाउडर ना हो तो आप इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो हमें ज़्यादातर गुड़ का ही यूज़ करना चाहिए। धीरे धीरे लौकी अपना पानी छोड़ेगी, तो हमें यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये मिश्रण गीला होता जाएगा और डो के फॉर्म में आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मिश्रण डो फॉर्म में आ गया है, तो हम थोड़ा सा पोर्शन लेके इसका मुठिया बना लेंगे। आप जिस भी साइज़ का मुठिया बनाना चाहती हैं उस साइज़ का आप मुठिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस साइज़ का मुठिया बना रही हूँ। हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगाने से मिश्रण हाथ में चिपकेगा नहीं। तो इसी तरीके से हमें एक के बाद एक सभी मुठिये बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे सभी मुठिये को हमने तैयार करके स्टीमर की डिश में रख दिया है। तो यहाँ पे पानी को मैंने पहले ही गर्म करके रख दिया था, तो पानी एकदम अच्छे से उबल गया है। सभी मुठिये को हम स्टीमर में रख देंगे और ढक्कन को कर देंगे बंद। इसे हम 20 मिनट तक पकने देंगे। 20 मिनट के बाद खोलकर देख लेंगे कि ये पके हैं या नहीं, तो हम चाकू की मदद से इसे चेक कर लेंगे। इसमें आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाकू का यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा चाकू एकदम साफ निकला है, तो मुठिये बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मुठिये को ऐसे भी खाया जाता है। अगर आपको इसका टेस्ट ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे ही बिना बघारे इसे खा सकते हैं, लेकिन बघारने से इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे बघारेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडे हो चुके हैं, इसके इस तरह से छोटे छोटे चाकू की मदद से टुकड़े कर लेंगे। सभी मुठिये के यहाँ पर मैंने टुकड़े कर लिए हैं।
मुठिया यहाँ पे एकदम सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं। तोड़ने से बिल्कुल आसानी से ये टूट रहे हैं। अगर आपके पास दोपहर के चावल पड़े हो तो आप इसमें इसके मिश्रण में ऐड कर दीजिए, उससे बहुत ही सॉफ्ट मुठिये बनके तैयार होते हैं। मोइन डालने से भी मुठिये सॉफ्ट तो बनते ही हैं, लेकिन जब हम इसमें चावल डालते हैं तो मुठिये और भी सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। बर्तन में 2 बड़े चम्मच जितना मूँगफली का तेल लिया है, 1 चम्मच हम इसमें राई ऐड करेंगे, इसमें राई का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। अच्छे से तड़कने के बाद इसमें हम 10 से 12 करी पत्ते ऐड कर देंगे, सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, तिल को अच्छे से फूटने देंगे, फिर हम इसमें हमारे मुठिये ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे, टोस्ट कर लेंगे, चम्मच की मदद से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसे चख भी लेंगे। अगर इसमें नमक कम हो तो हम यहाँ पे ऊपर से इसमें नमक डाल सकते हैं, अगर और ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसमें और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एकदम हेल्दी टेस्टी मुठिये बनके तैयार है। इसे हम चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। तो ये हेल्दी टेस्टी, स्वाद में श्रेष्ठ, टेस्ट में बेस्ट गुजराती लौकी के मुठिये बनके तैयार हो गए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे नए आने वाली वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।